गाइज, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि सम स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सपोज दैट कहीं पे आपको ऐसा लिखा है कि साइन थीटा इक्वल टू सपोज दैट 1/2 दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, किसी एक पार्टिकुलर एंगल के लिए ये इक्वलिटी होल्ड्स कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 45 डिग्री, दैट मीन्स हम लोग का साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अगर थीटा 30 डिग्री रहेगा तभी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है कि वैसा इक्वेशंस, इसको बोलेंगे कि सच काइंड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच होल्ड्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा और एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसी भी वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 रखते हैं, किसी भी अगर थीटा के किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता तो इसको आइडेंटिटीज बोलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिसको हम लोग देखेंगे क्या है कि वो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहला होता है हम लोग का क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये आइडेंटिटी होल्ड करेगा। सिमिलरली अगर इसमें से कहीं से भी हमको ऐसा पूछ दे कि साइन थीटा क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हमको यहाँ से पूछ दे कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूला यहीं से डेराइव होते हैं। और कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स ये क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं कि साइन का स्क्वायर है थीटा अलग से, साइन स्क्वायर थीटा कहीं पे लिखा है, दैट मीन्स ये क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है। सिमिलरली अगर कहीं पे साइन थीटा स्क्वायर लिखा है, दैट मीन्स क्या है कि साइन, ये आर्ग्यूमेंट में हम लोग का थीटा स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं करना ये दोनों टर्म में कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर का क्या मतलब होता है। तो ये हम लोग का पहला ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज था। दूसरा हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कहीं कहीं आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसको अगर हम लोग उधर दे आए तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये हम लोग का माइनस है क्या है, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, या इसी फॉर्म में कहीं पे आपको ऐसा पूछ दे कि सेक थीटा क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सब में हमको कंफ्यूज नहीं करना, ये सारे क्या है, एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। उसके अलावा जो हम लोग का तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आता है वो आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, या आपको कहीं ऐसा हो सक मिल सकता है, ये क्या रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड, सिमिलरली यहीं से आपको कहीं भी सपोज दैट कॉट स्क्वायर थीटा पूछ दिया कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट थीटा को क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, ये कॉसेक इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब इम्पोर्टेंट, ये जो तीन इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेटिक आइडेंटिटीज के बारे में, इसके अलावा हम लोग का एक आइडेंटिटीज क्या होता है जो हम लोग का फोर्थ नंबर में यूज करते हैं कि ये टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेन थीटा हम लोग का क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली टेन का उल्टा हम लोग का क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई
साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा हम इन डिटेल्स में देखेंगे ये होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज दैट हम लोग कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, क्या कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का सपोज दैट इसको क्या मान लिए, परपेंडिकुलर मान लिए, ये एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा। तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में ये जो हम लोग का दो साइड का स्क्वायर है परपेंडिकुलर और बेस, इसका स्क्वायर करेंगे किसके बराबर होगा, एच के, हाइपोटेनस के स्क्वायर। ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो जो सबसे पहला हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या बोले थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग एल एच एस में क्या देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन एल एच एस में हम लोग का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। दैट मीन्स ये क्या हो गया, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बाय एच का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अगर हम लोग एल सी एम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर बाई ये क्या हो गया, एच का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो गया, वन, जो क्या है हम लोग का आर एच एस, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा जो हम लोग का था वो क्या था कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, एल एच एस में हम लोग का क्या है, वन प्लस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वन प्लस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी क्या होता है हम लोग का, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ नहीं कुछ है तो वन बाय वन है, यहाँ अगर हम लोग एल सी एम लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है, हम लोग का एच का स्क्वायर होता है, क्या होता है, एच का स्क्वायर बाई क्या हो गया, बी का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच बाई बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एच बाई बी का होल स्क्वायर। तो एच बाई बी हम लोग का क्या होता है फ्रेंड, देखिए हाइपोटेनस बाई बेस, ये हम लोग का क्या हो जाता है, सेक थीटा, क्या हो जाता है, सेक थीटा, ये क्या होगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, जो हम लोग का क्या है, आर एच एस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि तीसरा जो हम लोग का होता है वो क्या होता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी एल एच एस में हम लोग वही लेंगे कि वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो वन प्लस क्या लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लेंगे, वन बाय कॉट स्क्वायर। वन प्लस कॉट थीटा हम लोग का क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बी बाई पी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी बाई पी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग देखेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हम लोग का क्या होता है, एच का स्क्वायर, क्या होता है, एच का स्क्वायर बाय पी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, एच बाई पी, क्या हो गया, एच बाई पी का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो एच बाई पी हम लोग का क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही हम लोग का क्या है, आर एच एस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम देखे, उसके अलावा जो हम लोग दो और यूज किए थे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके नेक्स्ट हम लोग क्या यूज किए थे कि चौथा जो हम लोग का था वो क्या था, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग आर एच एस से देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि आर एच एस में क्या है, साइन थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच, और हम लोग का कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच इंटू एच बाई
बी हो जाएगा, यहाँ से एच और एच हम लोग का कट जाएगा, क्या हो जाएगा पी बाई बी, जो हम लोग का क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, ये हम लोग का क्या है एल एच एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो हम लोग का पांचवा है वो हम क्या बोले थे कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फिर से हम लोग आर एच एस में देखते हैं, तो हम लोग का क्या है ऊपर पे कॉस थीटा, तो ये क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा बी बाई एच इंटू क्या हो जाएगा एच बाई पी, दैट मीन्स ये नीचे वाला को लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से एच और एच कट जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई पी, और बी बाई पी हम लोग का क्या होता है फ्रेंड्स कॉट थीटा, जो हम लोग का क्या है एल एच एस। तो ये पांच जो हम लोग के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका हर जगह यूज होता है, चाहे आप कहीं भी ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।